डिक्टेशन अभी 5 सेकंड में चालू होगी। ओपी शुक्ला भाग 8 अभ्यास संख्या 75। उपस्थित सज्जनों, बहनों और भाइयों, मेरे यहाँ आगमन पर आज आपने जो मेरा भव्य और कृपापूर्ण स्वागत किया है, उसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि आपका प्रेम इसी तरह से आगे के लिए भी बना रहेगा। आपके देश के कई प्रतिष्ठित नेता हमारे देश भारत में आ चुके हैं, जिनका हमें स्वागत करने का सुअवसर मिला है। इसे हम अपना सौभाग्य मानते हैं। अभी कुछ ही महीने पहले आपके देश के माननीय राष्ट्रपति का भारत में आगमन हुआ था, जिसे हम हर्ष के साथ स्मरण करते हैं। इन यात्राओं से हमारे दोनों देशों के बीच अधिक जानकारी और सद्भावना का संचार हुआ है तथा मित्रता और दृढ़ होती जाएगी। वास्तव में आपके देश की यात्रा करने की मैं उत्सुकता से राह देखता रहा हूँ। वस्तु स्थिति यह है कि रूस भारत का पड़ोसी है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं अब यहाँ आ सका हूँ और मुझे विश्वास है कि व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए मेरी यह यात्रा सुखद ही नहीं ज्ञानप्रद भी होगी। आपके देश ने जो महान और आश्चर्यजनक प्रगति की है और दूसरे विश्वयुद्ध के विध्वंस और कष्टों के बाद पुनर्निर्माण के विशाल कार्य को जिस प्रकार से पूर्ण किया है, उसके बारे में हमने बहुत कुछ सुना है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपके वैज्ञानिकों ने अद्भुत सफलताएं प्राप्त की हैं तथा उनके द्वारा अंतरिक्ष और दूसरे लोगों के अन्वेषण के संबंध में भी हमने बहुत कुछ सुना है। और सबसे बढ़कर आपने उद्योग और कृषि के क्षेत्र में जो तरक्की की है और जिसके फलस्वरूप सोवियत संघ संपन्न हुआ है और यहाँ के लोगों का रहन सहन का मान ऊंचा हुआ है, उसके बारे में भी हमने सुना है। हमें भारत में अपने भाग्य का निर्णायक बने अभी थोड़ा ही समय हुआ है, तब से हम औद्योगिकी और अपनी खेती के काम में सुधार करके अपने राष्ट्रीय साधनों को और अपने रहन सहन को उत्पन्न करने में लगे हुए हैं। हमें खुशी है कि इन दोनों क्षेत्रों में हमें आपके देश से उदार सहायता मिली है। वास्तव में विज्ञान और तकनीकी की प्रगति के कारण दुनिया सिकुड़कर इतनी छोटी हो गई है कि एक प्रकार से एक देश की समस्याएं सभी देशों की सामान्य समस्याएं हो गई हैं, किंतु इन सब समस्याओं पर विश्व शांति का प्रश्न छाया हुआ है। मानव ने जो प्रगति की है शांति के अभाव में हुआ है, सभी जगहों और शायद सदा के लिए
नष्ट की जा सकती है। हमें इस बात का गर्व है कि विश्व शांति की स्थापना के इस कार्य में आपके महान नेताओं ने बहुत बड़ा हिस्सा लिया है। हम सच्चे दिल से आशा करते हैं कि इस देश में उनके और अन्य बड़े देशों के नेताओं के प्रयत्न सफल होंगे, जिससे कि मानव समाज युद्ध के भय से मुक्त हो सके। पैरा, क्या मैं एक बार फिर आपके कृपापूर्ण स्वागत के लिए, जिसे कि मैं भारतवासियों के प्रति महान सोवियत संघ के लोगों का मैत्रीपूर्ण भावनाओं का प्रतीक मानता हूँ, आभार प्रकट कर सकता हूँ और फिर कह सकता हूँ कि आपके देश की यात्रा करने, आपके देशवासियों से मिलने और आपकी विलक्षण सफलताओं को देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। स्टॉप।